सिंगिंग के लिए पहुंची थी नम्रता जी, अब इनको ही मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू आपको इस चैनल पर दिखा दें कि ये किस तरह की अदाकारा हैं, सिंगर हैं, किस तरह का इनका लोक गीत या सिंगिंग के द्वारा इतना फेमस गाने एक हैं जो मिलियन को पार कर देते हैं, हजार तो सैकड़ा छोड़िए। अब देरी ना कीजिए, वही आपको लेकर चलते हैं, दिल थाम कर बैठिए, नम्रता जी के पास लेके चलते हैं, इन्हीं से पूछेंगे इनकी बैकग्राउंड और जिस आपको और बात बताएंगे। ये पहले आप एक बात कि मैंने बहुत बार आपसे में मिलना चाहा, आपको इस चैनल से दिखाना चाहा, लेकिन सौभाग्य नहीं था, दुर्भाग्य था, आज हो गया है सौभाग्य। इनको मैंने ये आ नहीं रही थी, इनके सहयोगी सरोज सरगम जी है, सरोज सरगम जी को भी दिखा रहे हैं। इनका इतना चेहरा खिला रहता है, इनको लोग देख करके इनके चेहरे, इनके सजावट को देख करके लोग दंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वाह रे वाह, वाह रे वही सरोज सरगम जी बड़े अच्छे अच्छे ये गीतकार हैं और राइटर दोनों हैं। इनका आपको बताते हैं इस वीडियो स्क्रीन पर कि इनका गीत लिखा हुआ आज विदेशों तक जाते रहे, देवानंद देव जी गाते रहे, खेसारी जी, अन्य और लोग गाते रहे हैं। अब चलिए वहाँ बात नहीं होंगे, ये तो खुश दिल है, इनको देख करके लोग भी खुश हो जाते हैं। एक और उनका रिकॉर्डिंग कर रही हैं अपने मोबाइल से। अब चलिए नम्रता जी से ही बात हो जाए। नम्रता जी, ये आपका गाना कौन सा इस समय वायरल में चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है? मेहनत जायज नहीं जाएगा ना जी, आप देखे इस वीडियो स्क्रीन में वही नम्रता जी हैं जिनको हमेशा जिनके दिलों पर राज करती रहती है। कैसे ऐसे नहीं, गाने से, अपने मधुर गानों से, मधुर मुख के स्वरों से इनका राज रहता है सभी के दिलों पर। आज वही रूबरू आपको दिखाने जा रहे हैं जी, तो पूछिए। अच्छा, एक बात यह है कि आज आप इस परिवेश में, इस सिंगिंग के सिंगर गायक के परिवेश में आप कब से चली गई? जी, सिंगिंग तो मैं बचपन से कर रही हूँ। उमरिया का हुई नम्रता जी, आपका उम्र कितना बा? कोई उम्र को ना बताएं। हाँ, नहीं, और देखिए आप किसी को डेट ऑफ बर्थ पहले के जमाने में कौन जानता है, अब हम लोग के बच्चे होंगे तो शायद अच्छा से याद रहेगा, नहीं बारिश होगा। और आज रविंद्र राजू जी के प्रता के पास तो कोई ऐसा गीत गुनगुनाइए जो सबके दिल पार कर दे। जी, हमारे सरोज भैया का ये गीत है जो लिखे हमको कि घोरे कबले यही बबोला परदेसिया बलंग, घोरे कबले यही बबोला परदेसिया बलंग, जिंदगी भइल बेजान तड़पत जियत निहम, जिंदगी भइल बेजान तड़पत जियत निहम, घोरे कबले यही बबोला परदेसिया बलम, घरे कबले यही बबोला परदेसिया बलम। आपके गाना से ऐसा लग रहा था कि किसी के पति ने परदेश गए हैं और वह ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं, ऐसा गाना। ये एक औरत अपने पति से बड़े वियोग से कह रही है, प्यार से बुला रही है, तो ये उस अवस्था की गीत है। अच्छा नम्रता जी, एक बात आपको अच्छी बात बताने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आज जितने सिंगर, अच्छे अच्छे सिंगर जो गायिका हैं, उनको किसी ने फांसी लगा दे रहा है या ऐसे जैसे भी उनकी मृत्यु यानी लुप्त होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि आपको डर लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल डर लगता है, और जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। मैं सभी भाइयों से, बहनों से कह रही हूँ, कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उभरता सितारा है तो उभरने दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। बाकी तो डर लगता है सर, बाहर निकलने का डर लगता है, लेकिन देखिए हम लोगों के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए 112 है, आप इस पर डायल करके आप अपना सहयोग ले सकती हैं, मैं लड़कियों को कह रही हूँ। और बाकी तो आप अपना हौसला बुलंद रखिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब इनके साथ आप ये भाई बहन लोग कहते हैं, या शायद स्क्रीन पर आपको पता चल जाए कि भाई बहन वास्तव में भाई बहन ही ये हैं, वही जिनकी मैंने बात कहा है। दोनों काम करते हैं, गाते हैं और गवाते हैं, और गवाते तो कैसे हैं, ऐसे वैसे सिंगरों को नहीं, आप विदेशों तक रनिंग करने वाले देवानंद देव जी हैं, खेसारी जी हैं, अब शायद पवन और दिनेश लाल को भी जाने वाला है इनका गाना। भैया कुछ अपने मुख से बता दीजिए इस वीडियो स्क्रीन में। देखिए मेरा नाम सरोज सरगम है, मैं एक पैडिस्ट हूँ, पैड बजाता हूँ, गीत भी लिख लेता हूँ, यानी कि गुरुदेव की कृपा से हर एक काम को संभव में कर लेता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा योगदान है और हम सौभाग्यशाली हैं। सरोज जी ज्यादा समय नहीं लेंगे, सरोज जी आप गाना लिखते हैं गाते हैं तो जो लिखे हैं उसको तो गा भी सकते हैं ना, गाइए सुनाइए। देखिए अभी कुछ दिन पहले आदरणीय गुरुदेव देवानंद देव जी का एक गाना बहुत हिट हुआ था जो वर्ल्ड वाइड चैनल से आया था, तो वो मैंने लिखा था झुर झुर मोहतट शीतल पवन आया तारी मैया रानी हमर भवन चार ओरी गुंजे जय जयकार हे मैया हो निमे पर आसन लगाइले तू हो ऐसे। और एक भोजपुरी गाना था जाए चांद कही हाँ बलम से अब भईल बा कसूर कवन हमसे बार बार, ये बहुत ही योग रस है। अच्छा राइटर साहब आप लोग ऐसा ऐसा गाना ढूंढते हैं कि जो ये इस समय चल भी रहा, आप लोग कैसे अंदाज लगा लेते हैं कि इस गाना को गाया जाए तो इस परिवेश में बड़ा धमाका या हंगामा मचाए। देखिए जो राइटर होता है ना कभी कल्पना करता है, लोग कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी रवि। तो ये बात आपको बताऊँ, मैं सफर कर रहा था और एक लड़की को देखा, सफर में तो बहुत लड़कियां मिली, और वो क्या था कि जैसे अपने छाती के चेस्ट पे टैटू बनवा रखी थी, तो दिमाग में आया तो मैंने एक गाना लिखा उस पे, ये बड़ी पाक के सुतार बनल बाटे अकर हमारे छतिया से चोनी नया नवा पो बड़ भाग बड़ी वे गोदा नवा को बनल सिंगार बजो बनवा को। लोग कहते हैं कि अश्लीलता है ये है वो है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर जैसा भाव आप रखेंगे, अभी चंदन चंचल जी ने जो गाया था कि अभी उनका एक गाना वायरल हुआ था चंचल जी का कि गाना बुरा नहीं है लोगों की सोच बुरी है। जी जी बिल्कुल सही, ये बात सही है। अभी एक गाना उनका हुआ था कि नतिया पतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा, लेकिन मैं इसको सार्थक इसलिए मानता हूँ, देखिए अगर इसको दो तरह से लिया जाए, हित नाथ किसी का पता नहीं लगता है, जब ये प्राण जब उड़ता है तो फिर तो किसी का पता नहीं लगता है, और देवरा ढूंढी भोजपुरी में ढूंढी के खोजल कहल जाला, यानी कि ढूंढता आदमी देवरा ढूंढी ढूंढ ढूंढ के तक चट ले जहिया ओकर काम पड़ी तैयार का ढूंढ के लेके चल जाए। आप लोग उस गाने पे, गाने तो वही है लेकिन लोगों की सोच अलग है, ढूंढी देवरा ढूंढी चटना बा देवरा ढूंढी खोदना बा वो तो अलग बात है, लेकिन राइटर साहब कवि साहब के कहने का मतलब आप इस वीडियो स्क्रीन पर समझ गए हैं कि ढूंढी का मतलब ढूंढना होता है, खोजना होता है भोजपुरी में। और ये फिर वही हम जा रहे हैं नम्रता जी के पास, नम्रता जी और कुछ गाना है गुनगुना दीजिए। तो हम लोग बड़े अच्छे
अच्छे समय उपस्थित रविंद्र राजू जी के चलिए ऐसे ऐसे राइटरों से, ऐसे ऐसे गायकों से, ऐसे ऐसे फनकारा अदाकारा गायिका से मिलवाते रहेंगे, ऐसे ऐसे लोगों की खोज करते रहेंगे। मेरा तो कमवे है, जब सुबह मेरी आंख खुल जाती है तो ऐसे ऐसे अदाकारा, ऐसे ऐसे गायक सिंगर राइटर दोनों लोगों को खोजते रहते हैं कि कब मिलेंगे। आपको मैंने बताया है कि इनका इंतजार बहुत दिनों से मैंने करता रहा, आज है सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय रविंद्र राजू जी के पुण्यतिथि पर आप सभी लोग मिल गए हैं। आपको इस वीडियो स्क्रीन पर दिखा भी दिए हैं। कैमरामैन भैया इन के साथ मेरा भी एक फोटो ले लीजिए।